हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार भारद्वाज आज आपका स्वागत करता हूँ माय प्लांट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है गेंदे के पौधे के ऊपर है। अक्सर आपने देखा है कि गर्मियों में जो गेंदे के ऊपर फ्लावरिंग होती है काफ़ी ज़्यादा कम होती है। दोस्तों ये वाकई में ही कम होती है। आप देख सकते हैं मैंने जो इसको लगाया हुआ है शेडेड एरिया में लगाया हुआ है। यहाँ पे सुबह के टाइम धूप नहीं आती है, जो शाम की हल्की दो धूप होती है उस टाइम इसके ऊपर धूप पड़ती है। अभी देखें आप, सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक यहाँ पे इसके ऊपर धूप नहीं आई है। जब शाम को लास्ट एंड में जो सूर्य छिपने की तैयारी होती है उस टाइम इसके ऊपर धूप एक बार आती है। और दोस्तों क्या करें कि इसके ऊपर इस दिनों में गर्मियों के अंदर इस पर बीमारी काफ़ी ज़्यादा अटैक करती है। जैसे कि क्या होता है कि मिली भंग होगी और छोटे छोटे कीड़े हो गए काफ़ी ज़्यादा इसको लग जाते हैं, तो इसमें क्या होता है इसकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा कमी आनी स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं मेरे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट हुए हुए हैं, ये देखें। आज मैं सिर्फ आपको गेंदे के ऊपर ही बताने वाला हूँ। तो क्या करें कि आप इसके ऊपर घर के अगर आपके बनाए हुए पेस्टिसाइड काम नहीं आ रहे हैं तो आप दवाइयाँ तो आप इसके ऊपर पेस्टिसाइड यूज लाइट कर सकते हैं। जैसे कि मैं तो इसके ऊपर पेस्टिसाइड ही यूज़ लाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो गेंदे के फ्लावरिंग है आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा अगर आपने घर में लगाना है तो अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा मैं पेस्टिसाइड इसके ऊपर यूज़ लाइट कर देता हूँ। हफ्ते के अंदर एक बार ज़रूर करता हूँ। इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये 10 प्लांट जो साथ साथ में लगाए हुए हैं, अभी एक में फ्लावरिंग हो चुकी है और बाकी में फ्लावरिंग होना बाकी है। तो इसको पानी में बिल्कुल ही कमी ना आने दें आप गर्मियों के दिनों में, क्योंकि अगर एक बार पानी की कमी होगी तो इसका क्या होगा, इसकी ग्रोथ वहाँ पर ही रुक जाएगी, उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। ग्रोथ रुकने का कारण यह है क्योंकि इसके पत्ते हैं मुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि ठुट्टी सी बनना स्टार्ट हो जाती है। एक बार पत्ते अगर वैसा मुड़ जाएँ तो जब तक ये नई ब्रांचेस नहीं निकलती हैं जब तक ये फ्लावरिंग नहीं करता, तो ऐसे कैसी कई काफ़ी ज़्यादा बीमारियां जो इसके अंदर आ जाती हैं। तो आपको इसको पहले पानी की कमी ना होने दें, दूसरा इस पर बीमारी का कोई भी अटैक ना होने दें। अगर आप इस तरह से ही बचा के रखते हैं तो आप, मुझे लगता है कि आपके गार्डन के अंदर भी इसी तरह से मैरीगोल्ड के प्लांट खिलेंगे, आप फ्लावर खिलेंगे। देखिए काफ़ी ज़्यादा इतना अच्छा फ्लावरिंग हो चुकी है, और इधर एक अभी छोटा खिलना बाकी है और इधर भी ये खिलने की तैयारी में ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी मेरी वीडियो है पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी देर बाद ये वीडियो डाला है। अगर आपको और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना मेरे गेंदे मैरीगोल्ड के प्लांट थोड़ा बड़े हुए हैं तो आपको दिखाया जाए, तो ये मैंने ज़मीन में ही लगा रखे हैं। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी।